और उस बैल ने ना भाई अपना पिछवाड़ा खुजाया हुआ है शीशे के साथ में। तो ये टोटल जो खर्चा मुझे आज पड़ा भी ये। ओ भाई हाँ जी, तो सभी लोगों को मेरी जय देव जी। मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परमार साहब व्लॉग। तो आज संडे के दिन और बाहर आप देख सकते हैं अभी कितनी कड़कती धूप लग रही है, पर मुझे जाना पड़ेगा अभी बाहर मार्केट में क्योंकि मुझे गाड़ी का थोड़ा सा काम कराना है, क्योंकि मेरे भी गाड़ी का आ चुकी है नंबर प्लेट और नंबर प्लेट लगवाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मुझे करवानी है गाड़ी में थोड़ी सी स्टिकरिंग, जो मैं बताऊंगा आपको चल के कि थोड़ी सी अपडेशन मैं क्या कराता हूँ गाड़ी पे। तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, अभी जो लोग हैं चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें। तो चलिए निकलते हैं बाहर, चलते हैं गाड़ी को लेके। तो चलिए भी चलते हैं, धूप आप देखते हैं कितनी कड़कती धूप है। और भी यहाँ पे ऑलरेडी मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं है क्योंकि आंटी के आए हैं दोनों डॉटर्स विद फैमिली, बच्चों की हो रखी हैं छुट्टियाँ स्कूल की, तो उनकी दोनों गाड़ियाँ लगी हैं अंदर, एक ऑलरेडी उनके बेटे के अंदर। तो मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है यहाँ पर बगल में प्लॉट के पास, और भाई ये आवारा जानवर गाड़ी के पास, भाई नुकसान ना पहुँचाया कोई ना, दिमाग ख़राब हो गया इनको देख के। तो मुझे पता था कि छाया जैसे मैंने गाड़ी के लिए ढूंढी ना, ये हमारा सांड भी यहाँ पे छाया के चक्कर में गाड़ी के पास होगा। अरे भिड़ते ऐसे हैं भाई, नुकसान ना हुआ होगा, बस वही टेंशन हो रही है मुझे गाड़ी को देख के अभी यहाँ पे। तो भैया आप मेरी हालत अभी देख सकते हैं पसीने से, क्योंकि क्या है ना गाड़ी अभी एकदम से गाड़ी में बैठ के एकदम से एसी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गैसेज जो बनी होती हैं वो थोड़ी सी आपके हेल्थ के लिए वो सही नहीं रहती हैं। तो हमेशा एकदम से अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है तो एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ के एसी ऑन ना कीजिए, थोड़ा सा जो शीशे हैं वो डाउन करके तो टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद ही आप एसी ऑन करें। और दूसरा मैंने गलती क्या की थी, मैंने पेड़ के नीचे भी गाड़ी खड़ी करके गलती ये कर दी थी, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि भाई पेड़ के छाया में गाड़ी खड़ी करनी है, वैसे ही पेड़ की छाया के लालच में जो आवारा सांड है ना वो भी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा वो भी बिल्कुल गाड़ी के करीब खड़े हुए थे, कि शुक्र मनाओ मैंने देखा चारों तरफ घूम के कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं और इनकी लड़ाई के चक्कर में ना कभी भी गाड़ी की ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो एक लर्निंग मुझे ये मिली कि भाई जैसे कि मैं गाड़ी के लिए पेड़ की छाया ढूंढ रहा हूँ, वैसे ये भी पेड़ की छाया ढूंढ रहे हैं, तो दोबारा मैं गलती नहीं करूँगा, मुझे तो कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी अब गाड़ी को खड़ा करने के लिए। तो अभी चलते हैं और पहले लगाते हैं सीट बेल्ट और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गर्मियों में ना एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई आपकी गाड़ी के नीचे ना कई बार होता है छाया के लिए ना, होता क्या है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं ना ये भी छाया के चक्कर में ना गाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। तो हमेशा गाड़ी स्टार्ट चलाने से पहले हमेशा इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई यानी ऐसा कोई बेजुबान तो नहीं है, भाई आज नंबर प्लेट लग जाए गाड़ी के, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। क्योंकि कल मेरी बात हुई थी दो तीन शॉपकीपर से जो है, और क्या संडे को हम 2 बजे तक गाड़ी सिर्फ शॉप्स जो हैं ओपन करते हैं, तो आप आ सकते हैं 2 बजे से पहले। तो अभी टाइम हुआ है 12:15 भी बजे, लेट्स सी क्या आज नंबर प्लेट लग पाती है गाड़ी में कि नहीं। तो फाइनली भी शॉप खुली हुई है नंबर प्लेट वाली, तो अब देखता हूँ फाइनली भाई लग जाए आज नंबर प्लेट लग जाए आज। किस्मत ऐसी ख़राब है ना कि ना आज नंबर प्लेट वाला काम होगा हो पाएगा, ना आज वो गाड़ी की स्टिकरिंग वाला काम हो पाएगा। मतलब भाई 2 हफ्ते हो गए मुझे, कल भी बंदे ने इंश्योर किया था कि कल गाड़ी की नंबर प्लेट लग जाएगी, एक्चुअली उसकी मशीन ख़राब चल रही है। अब यहाँ तो मुझे पठानकोट जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ तो मुझे फिर 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। और ये देखो भाई गाड़ी की हालत पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है खुले में ना प्लॉट में जब से खड़ी की हुई है। भाई दिक्कत बताऊँ क्या है, कठुए में आज भी मेरे को ना नंबर प्लेट का काम हुआ मेरा, ना मेरा दूसरा काम हुआ। तो अब ज़िद्द ऐसी है कि अब भाई जा रहा है पठानकोट, मतलब कठुआ से 20 किलोमीटर दूर स्पेशल नंबर प्लेट डलवाने। मैं कभी आप मेरी भी ज़िद्द है फिर।
करवा के आऊंगा आज, चाहे 20-25 किलोमीटर दूर ही क्यों ना जाना पड़े, आज गाड़ी पे नंबर प्लेट लगवा के ही रहेंगे हम। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पठानकोट पे, ये शॉप है डलहौजी रोड पे, और ये शॉप का मैंने सर्च किया था नेट पे, और यहाँ पे मैंने नंबर प्लेट जो फ्रेम्स हैं वो मैंने सेलेक्ट की विद क्रोम, क्योंकि जो ब्लैक वाली थी ना मुझे इतनी पसंद अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं सोचा भी गाड़ी का कलर सिल्वर है तो क्रोम वाली अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है ये क्रोम वाली जो फ्रेम। और ये भाई की शॉप भी, ये भी कार एक्सेसरी जो है डलहौजी रोड पे, और सर्विसिंग की मुझे अच्छी लगी, और यहाँ पे अब मैं सोचा कि एक दो काम मैं और करवा लूँ। ये इस तरफ है बस स्टैंड से आगे को, और ये अभी हो रही है जो रिवर्स कैमरा है उसकी, उसका काम अभी चल रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी में वो नहीं था तो मैंने कहा वो भी डला लूँ, और साथ साथ मैं डला लूँ साइड में जो विंडोज़ है ना उस पर भी क्रोम रबड़ के ऊपर। उससे क्या होता है, एक तो रबड़ की प्रोटेक्शन रहती है, दूसरा सिल्वर गाड़ी में थोड़ा सा जो लुक है ना इसका और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ध्यान में मुझे ये भी रखना है कि जितना कम से कम हो सके मैंने क्रोम इसमें लगवाना है। और अब मैं आ गया हूँ भी पठानकोट से थोड़ा सा आगे, तो मुझे याद आया कि भी कुछ एक लाइट से कम और लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं येलो कलर की, तो मैंने सोचा वो भी मैं यहाँ पर लगवा दूँ, और थोड़ा सा बालों को बचे हुए बाल हैं अपने उनको सहलाते हुए है ना, कि भाई कटिंग की हुई तो थोड़ा सा ना फ्रेश सा लुक लगता है अभी कटिंग करा के ना एकदम से। तो यहाँ पे हो रही है लाइटों की जो फिटिंग, और ये देखिए अभी लाइटों की फिटिंग हो चुकी है, और बताओ मुझे कि कैसी ये लग रही है, ये जलेंगी इंडिकेटर्स के सामने, और रात के टाइम में ना बहुत मस्त ये लगता है इनको देखेंगे छोटी लाइट्स। तो अभी हम निकलेंगे कठुआ के लिए भाई यहाँ से काम। हाँ जी, तो फाइनली भाई आज गाड़ी का जो मैंने पेंडिंग काम था वो करवा दिया, थोड़ा सा आपको बता दूँ क्या क्या करवाया है। और गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा, इवन 45 डिग्री टेम्परेचर है अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। तो मैं दिखाता हूँ आपको फ़िलहाल क्या क्या काम आज करवाया, थोड़ा सा था ज़्यादा नहीं। तो एक तो ये आप देख रहे हैं भाई, एक करवाई अपने नंबर प्लेट्स विद फ्रेम, मतलब नंबर प्लेट काफ़ी टाइम से आई हुई थी, डली नहीं थी, पर दूसरी मैंने लगवाई है ये लाइट्स एडिशनल, और एक करवाया है ये वाला क्रोम, ये वाली क्रोम की लाइटिंग ये डलवाई है साइड में, और एक लगवाया ने रिवर्स कैमरा जो पहले नहीं था। तो ये काम आज इस तरह से, ये यहाँ पे क्रोम अब थोड़ा सही लग रहा है। तो ये टोटल जो खर्चा मुझे यार पड़ा भी, ये पड़ा मुझे लगभग 3,000 का, जिसमें दोनों नंबर प्लेट्स ने वो पड़ी मेरे को 450 रुपये की, और कैमरा मैंने नाइट विज़न कैमरा वो लगवाया मैंने 1500 रुपये का, और साइड की ये जो थी ये मुझे पता नहीं एक्चुअल में, और फ्रंट की जो लाइट थी वो थी 600 समथिंग की। तो टोटल मिला के मेरा लगा आज 3200 रुपये कुछ। तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि भाई नंबर प्लेट कब से आई थी गाड़ी की, फाइनली आज लगा दी। तो अभी चलते हैं रूम पर, और गाड़ी की हो रही है दिक्कत आजकल भी, क्योंकि आंटी के जो दोनों डॉटर्स है विद फैमिली वो आए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं, इसलिए मुझे गाड़ी जो है वो बगल में प्लॉट में खड़ी करनी पड़ रही है। और वहाँ पे आज जब मैंने देखा मिरर है जो, तो इसमें देखा ना क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ी की हुई है, और जो बैल है ना आवारा बैल है वो भी पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं दोपहर में, और उस बैल ने ना भाई अपना पिछवाड़ा खुजाया हुआ है शीशे के साथ में, पर शुक्र मनाओ कि टूटा नहीं है ना, और साइड में थोड़े से स्क्रैचेस भी आगे हुए हैं, क्योंकि होता है आपस में साले भिड़ते हैं ये कभी भी। तो फिलहाल मैं शुक्र मनाओ कि मेजर कोई डैमेज नहीं है गाड़ी को। तो आज वॉशिंग करा के मुझे कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी गाड़ी को खड़ा करने की, या तो देखता हूँ वहीं पर खड़ी करता हूँ पर कवर इसको डाल देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और मैं उम्मीद करता हूँ आज छोटा सा ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक परमार साहब ब्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। जय देवा। Thank you.